कल हमने आपको बताया था कि मदरबोर्ड में हम लोग प्लस माइनस कैसे चेक करते हैं, मतलब बोर्ड में प्लस माइनस चेक करने का तरीका क्या होता है। देखिए एक बार मैं बोर्ड में आपको एक बार दोबारा से एक बार समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे अपने टॉपिक पे चलते हैं। तुम्हारे पास कोई भी मोबाइल फोन आया ठीक होने के लिए, एक्स वाई जेड कोई भी मोबाइल फोन आता है, हाँ बताए, हाँ दे दिया, सबसे मांगो जाके बैठो तो देखो सर, मल्टीमीटर को हम लोग क्या करते हैं, बी पॉइंट पे सेट करते हैं। कहां पर सेट करते हैं? बी पॉइंट पे सेट करते हैं। तो बी पॉइंट पे सेट करने का मतलब क्या होता है कि जो बोर्ड का जो जितना ये साइड का हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो बोर्ड का जितना हिस्सा होता है ये सब क्या होता है, ग्राउंड होता है। ये तो फोन के ऊपर जो जाली लगी होती है, कवर अप लगा होता है, वो सब क्या होता है, ग्राउंड होता है। मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे सेट करेंगे, कहां पर सेट करेंगे, बी पॉइंट सेट करेंगे। ये हम लोग जो समझ रहे हैं ये क्या समझ रहे हैं, प्लस माइनस को चेक करना, ठीक है। प्लस माइनस चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे सेट करेंगे, कहां पर सेट करेंगे, बी पॉइंट पे सेट करेंगे। बी पॉइंट पे सेट करने के बाद हमने रेड पिन को ग्राउंड पे लगाया, कहां पर लगाया, रेड पिन को ग्राउंड पे लगाया। रेड पिन को ग्राउंड पे लगाने के बाद फिर हम लोग चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर किसी पॉइंट में चेक करने पर, जैसे मान लिया ये तुम्हारा कंपोनेंट लगा है, इस कंपोनेंट में देखिए अगर दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल तो ये है, दूसरा टर्मिनल ये, टर्मिनल का मतलब होता है पॉइंट। आपने रेड पिन को ग्राउंड पे लगाया, ब्लैक से आपने चेक किया। जब आपने ब्लैक से चेक किया तो यहां पर चेक करने पर आपको क्या मिली, वैल्यू मिली। यहां पर चेक करने पर आपको बीप मिली। अगर यहां पर वैल्यू मिल रही है तो वैल्यू मिलने से क्या समझ में आएगा, यहां पर बीप मिलेगा तो बीप मिलने से क्या समझ में आएगा, माइनस। तो मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे सेट करेंगे, कहां पर सेट करेंगे, बी पॉइंट पे सेट करेंगे। बी पॉइंट पे सेट करने के बाद यदि रेड पिन को ग्राउंड पे लगाते हैं, ब्लैक से चेक करते हैं, तो चेक करने पर क्या मिलेगा, वैल्यू। वैल्यू मिलने से क्या समझ में आएगा, माइनस में चेक करेंगे तो माइनस में चेक करने पर बीप मिलेगा, बीप मिलने से क्या समझ में आएगा, वो पॉइंट माइनस है। तो हमारे मदरबोर्ड में कोई भी कंपोनेंट होता है, जैसे ये कंपोनेंट लगा है, इस कंपोनेंट में दो पॉइंट है, एक पॉइंट में चेक करने पर वैल्यू आएगा, एक पॉइंट में चेक करने पर बीप आएगा। जिस पर वैल्यू आएगा प्लस होगा, जिस पर बीप आएगा वो क्या होगा। अगर मान लिया किसी कंपोनेंट में तुमने चेक किया, इस कंपोनेंट चेक करने पर इधर से भी वैल्यू आ रहा है, इधर से भी वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब होता है इसका दोनों टर्मिनल प्लस है। अगर किसी कंपोनेंट में चेक किया, उसमें चेक करने पर तुम्हारा इधर से भी बीप आ रहा है, इधर से बीप आ रहा है, इसका मतलब होता है इसका दोनों टर्मिनल क्या है, माइनस है, ठीक है। अगर मान लिया तुमने चेक किया, इसका ये माइनस ये प्लस, तो मतलब ये वैल्यू होगा, ये क्या होगा, बीप देगा। इस तरीके से हम पहचानते हैं। हमारे मदरबोर्ड में एक नियम होता है, क्या होता है, नियम होता है। आपका तो नियम क्या होता है, नियम यह होता है कि इसका एक हिस्सा प्लस होता है, दूसरा हिस्सा क्या होता है, माइनस होता है। हमारे क्या होता है, एक टर्मिनल प्लस होता है, दूसरा टर्मिनल क्या होता है, माइनस होता है। कोई भी कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट में एक हिस्सा प्लस होगा, दूसरा हिस्सा माइनस होगा, ऐसा हो सकता है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से ऐसा पॉसिबल है, एक प्लस होगा, दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। दूसरा कोई भी चीज होगा उसका एक हिस्सा प्लस होगा, माइनस होगा, दूसरा हिस्सा क्या होगा, प्लस होगा, ये भी सही है। यदि कोई भी चीज है उस टर्मिनल के अंदर दोनों हिस्से प्लस होंगे, ये भी सही है। लेकिन कोई भी कंपोनेंट्स के अंदर कभी लाइफ में दोनों टर्मिनल माइनस नहीं हो सकते, क्योंकि आप ये बात समझ सकते हैं कि आपके मोबाइल फोन में से एक सप्लाई फेस होगी, दूसरी सप्लाई क्या होगी, न्यूट्रल होगी, ऐसा हो सकता है। दूसरी बात क्या होता है, आपके मोबाइल फोन में से दूसरी सप्लाई न्यूट्रल होगी, दूसरी साइड फेस होगी, ऐसा भी हो सकता है। दोनों साइड फेस हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कभी भी दोनों न्यूट्रल नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी निगेटिव चार्ज से कोई भी सप्लाई एक्टिव
नहीं होती या कोई भी कंपोनेंट एक्टिव नहीं होता। तो इसीलिए क्या, कोई भी कंपोनेंट होता है उस कंपोनेंट्स में कभी भी उसके दोनों हिस्से कभी माइनस नहीं हो सकते, या आप कह सकते हैं कि माइनस हिस्से से कोई सप्लाई नहीं चलती, या तो एक प्लस दूसरा माइनस, या इधर का माइनस उधर का प्लस, या दोनों प्लस, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन कभी दोनों माइनस हो ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर ऐसा वहां पर ऐसी पोजीशन जनरेट हो रही है कि दोनों हिस्से माइनस हैं, तो इसका मतलब है वो लाइन खराब है, या तो वो कंपोनेंट खराब है, या तो वो सप्लाई खराब है, ऐसा हो जाता है। ठीक, अब इस बात को कैसे करेंगे, मल्टीमीटर को रेड पिन को रखा, रेड को ग्राउंड पर रखने के बाद, रेड पिन को ग्राउंड पर रखने के बाद हम लोगों ने क्या किया, चेक किया। रेड पिन को ग्राउंड पर रखने के बाद जो हम लोगों ने चेक किया, तो अगर किसी कंपोनेंट में चेक करने पर वैल्यू आ रही है, किसी कंपोनेंट चेक करने पर बीप आ रही है, ये प्लस ये माइनस ये हो सकता है, इसको दोनों साइड में वैल्यू आ रही है ये प्लस हो सकता है, इसको दो एक साइड में से क्या होगा बीप माइनस, दूसरी साइड में वैल्यू आ रही है प्लस, ऐसा हो सकता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दो इधर भी बीप आए और इधर भी बीप आए, मतलब इधर भी माइनस हो इधर भी माइनस हो, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, अगर ऐसा पोजीशन जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब होता है यहाँ पर गड़बड़ी है, यहाँ पर खराबी है, यहाँ पर लाइन में दिक्कत है, ऐसा प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस बात के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग चेक करेंगे। आप देखिए, मैं एक चीज तुमको लिखाता हूं, ये थोड़ा सा सब लोग अपने कॉपी में नोट करिए, कल वाले में प्लस माइनस ऐसा हो सकता है, माइनस ऐसा प्लस यह भी हो सकता है, प्लस प्लस यह भी हो सकता है, माइनस माइनस ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमने आपको बताया कि जब भी आप मदरबोर्ड में चेक करेंगे, इस मदरबोर्ड में चेक करने के लिए रेड पिन को ग्राउंड पर लगाएंगे। ये हम आपको बता रहे हैं मदरबोर्ड की बिल्कुल बेसिक टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं कि रेड पिन को ग्राउंड पर लगाएंगे, ब्लैक से चेक करेंगे। चेक करने पर मोबाइल फोन में तुम्हारे कंपोनेंट पार्ट सब चीजें लगी होती हैं, चेक करने पर यदि वैल्यू आएगा तो वैल्यू आने का मतलब क्या होता है, ठीक है, चेक करने पर वैल्यू देगा तो वैल्यू देने का मतलब क्या है, प्लस, जो बीप देगा तो बीप देने से क्या समझ में आएगा, माइनस, तो प्लस माइनस का मतलब होता है जो वैल्यू देगा प्लस है, जो बीप देगा वो क्या है, माइनस। तो इस तरीके से हम लोग प्लस माइनस को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, प्लस माइनस को क्या करते हैं, पहचानते हैं, और प्लस माइनस के हिसाब से ही मदरबोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, आगे की चेकिंग को स्टार्ट करते हैं। ये लिख लिया ना सबने। अब अगला टॉपिक डालिए, हम लोग समझेंगे मोबाइल फोन में सीरीज और पैरेलल क्या होता है, क्योंकि हमारे मदरबोर्ड के अंदर जितने भी सारे ट्रैक कंपोनेंट जो भी सप्लाई होती है वो दो चीजों की व्यवस्था से मिलकर के लगी होती है, या तो वो कंपोनेंट जो लगे होते हैं मोबाइल फोन में सीरीज पोजीशन में होते हैं, या तो कंपोनेंट जो लगे होते हैं पैरेलल पोजीशन में होते हैं। हाँ, बैग ले, इधर आओ। ये तुम्हारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, आप इसमें डेली को बैठना क्लास। देखो इधर, अब हम लोग टॉपिक डालेंगे सीरीज पैरेलल। सीरीज का मतलब होता है जो कंपोनेंट्स एक लाइन में लगे होते हैं, जो मोबाइल फोन के जो पार्ट्स होते हैं
जो एक लाइन में लगे होते हैं, तो जो एक लाइन में लगे होते हैं उसको हम लोग सीरीज में काउंट करते हैं। किसमें काउंट करते हैं? सीरीज में काउंट करते हैं। जो कंपोनेंट दो लाइन के बीच में लगे होते हैं वो किसमें काउंट करते हैं? पैरेलल में काउंट करते हैं। सीरीज का मतलब होता है एक लाइन में लगे होना, और पैरेलल का मतलब होता है दो लाइन में लगे होना। आपका तो सर जी सीरीज पैरेलल का क्या मतलब होता है? हमारे मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं? कंपोनेंट्स लगे होते हैं। वो कंपोनेंट्स हमारे मोबाइल फोन में मदरबोर्ड में लगे होते हैं। तो जब मदरबोर्ड में लगे होते हैं तो इनसे कंपोनेंट से सप्लाई होते हुए आगे जाती है। जब कंपोनेंट से सप्लाई होते हुए आगे होते हुए जाती है तो इसी काम को हम लोग इसकी भाषा में ट्रैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैक बोलते हैं। जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं। जैसे मान लिया मेरे पास ये मोबाइल फोन का मदरबोर्ड का प्लेट है। इस प्लेट में से यहां से ये लगा है हमारा चार्जिंग कनेक्टर। अब चार्जिंग कनेक्टर यहां लगने के बाद तो काम खत्म नहीं हो जाएगा। चार्जिंग कनेक्टर यहां लगने के बाद यहां से करंट आने लाइन आगे चलेगी। लाइन आगे जाने के बाद बीच में ऐसे कंपोनेंट लगा होता है। इस कंपोनेंट से होते हुए करंट तब तुम्हारा कहीं आईसी तक पहुंचता है। आईसी पे करंट डायरेक्ट तो जाता नहीं कि यहां से उड़ेगा, हवा में पहुंच जाएगा वहां पर, तो बीच में से होकर के जाएगा। तो बीच में होकर के जाएगा, तो बीच में होकर जाने का मतलब होता है वो कहां से होकर के जाता है? ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स से होता हुआ गुजरता हुआ तब आईसी तक पहुंचता है। तो ये जो कंपोनेंट्स होता हुआ आईसी तक पहुंचता है, तो इस सर्कल को हम लोग इसकी भाषा में बोलते हैं ट्रैक। क्या बोलते हैं? ट्रैक, वायरिंग, कनेक्शन, लाइन, सप्लाई, कुछ भी आप अपनी भाषा में कह सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैक। कोई भी लाइन चल रही है, कंपोनेंट ऐसे लगे होते हैं, तब कंपोनेंट से सप्लाई होते हुए तब अपने आईसी तक पहुंचती। तो जब यहां से करंट दिया जाएगा तो यहां से करंट आईसी तक जाएगा। जैसे पंखा चल रहा है तो यहां से करंट देंगे तब पंखा चल रहा है। तो पंखा चलने का मतलब होता है बीच से कनेक्शन गया हुआ ना, तभी तो पंखा चल रहा है, नहीं तो वहां तक सप्लाई कैसे पहुंची? कोई भी चीज होती है उस चीज की सप्लाई तो बनी होगी, आएगी जाएगी सारी चीजें होती हैं। अब ऐसे ये ट्रैक जो होते हैं, जैसे मान लिया हमारे मोबाइल फोन में चार्जिंग कनेक्टर में पांच लाइनें हैं। अब पांच लाइनें हैं तो इसके पांच ट्रैक हो गए। जैसे हमारी उंगली है, हमारी उंगली में पांच उंगली है, तो पांच उंगली में अब बेशक हो सकता है कि मेरी तीन उंगली काम करें, दो को इतना जरूरत पड़े, लेकिन बात यह रहता है कि कनेक्शन तो पांचों के होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? कि ऐसे ही लगी एक चलेगी तो दो अपने मन से चलेंगी, ऐसा नहीं। ये सारी चीजें जब चलेंगी तो इनका क्या होगा? एक कनेक्शन होगा। क्या होगा? अगर इसका कनेक्शन ना होता तो मैं अपने मन से इसको बंद करूं तो ये नहीं बंद होगा, फिर सबको बंद होना चाहिए, क्योंकि सब एक साथ काम करना चाहिए ना। तो इसको कर रहा है, 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 तो मतलब सबके कनेक्शन कैसे हैं? अलग अलग है। तो जब सबके कनेक्शन अलग अलग है तो सबका लाइन गया हुआ है। क्या गया हुआ है? सबका लाइन गया हुआ है। अब सबका जब लाइन गया हुआ है तो सबके लाइन के बीच में कंपोनेंट लगा है। जिसका लाइन नहीं गया वो माइनस हो गया। तो सबके लाइन का जो कंपोनेंट गया तो वो लाइन कहां पे जाएगा? आईसी पे जाएगा। कहां पे जाएगा? आईसी पे जाएगा। अब इसी लाइन में से मान लिया मेरे पास मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं हो रही है, मेरे मोबाइल फोन में डाटा केबल नहीं काम कर रही है, मेरे फोन में स्पीकर नहीं काम कर रहा है, तो उसके अंदर का जो लाइन होता है, ये दोस्त लाइन क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। जब लाइन गड़बड़ हो जाता है तो ट्रैक काम करना बंद कर देता है। इसीलिए हमारे पास फोन में शिकायत आती है कि हमने मोबाइल फोन में चार्जिंग कनेक्टर तो लगा दिया लेकिन मोबाइल फोन में चार्जिंग फिर भी नहीं हो रही, मोबाइल फोन में स्पीकर नया लगा दिया लेकिन फिर भी नहीं स्पीकर काम कर रहा है, मोबाइल फोन में स्क्रीन लगा दिया लेकिन फिर भी स्क्रीन नहीं काम कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि उसका लाइन गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? लाइन गड़बड़ हो गया। अगर मान लिया तुम्हारा स्क्रीन का डिस्प्ले का जैक लगा हुआ है और इस डिस्प्ले जैक में ऐसे बहुत सारे पिने हैं, तो इन सारे पिनों का मतलब तो कोई ना कोई दोष है। इन पिनों तो सप्लाई आ रही है तभी तो डिस्प्ले में चित्र आ रहा है। अगर इनमें से कोई भी एक लाइन तुम्हारा क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, तो तुम्हारे मोबाइल फोन में से चित्र आना बंद हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको पहले समझाया था, पहले कल के डेट में मैंने आपको समझाया था कि जैसे मान लिया कोई भी एक लाइन है, अब इस लाइन को चेक करना है तो मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे सेट किया। कहां पर सेट किया? बी पॉइंट पे सेट किया।
रेड पिन को हमने कहां पर लगाया, ग्राउंड पे लगाया। तो ग्राउंड पे लगाने के बाद जब हमने ब्लैक पिन को यहां पर रखा, तो यहां पर चेक करने पर दोस्त तीन तरीके की सिचुएशन आएंगी। पहली सिचुएशन, या तो यहां पर वैल्यू आएगी, या तो यहां पर बीप आएगी, या तो कुछ नहीं आएगी। अपने मल्टीमीटर में तीन ही होता ही, चौथा ही नहीं तो कहां आ जाएगा। अगर वैल्यू आएगा तो वैल्यू आने से एक बात, पहली बात यह पता चलेगी ये प्लस है, दूसरी बात वैल्यू आने से यह पता चलेगा इसका ट्रैक का कनेक्शन है। दूसरी बात क्या, यहां पर चेक करेंगे अगर यहां पर बीप आती है तो बीप आने से पता चलेगा ये माइनस है, माइनस से ये पता चलेगा इसका कोई कनेक्शन है ही नहीं, ये ग्राउंड है। और अगर मान लिया हमको ये पता चल गया कि ये प्लस है और फिर भी यहां पर बीप आ रहा है, तो इसका मतलब है दोस्त इसके लाइन में जो कंपोनेंट लगा है वो शॉर्ट हो गया है। क्या हुआ, जिसके कारण से ये लाइन हमारी भ्रष्ट हो गई है, ये लाइन बंद हो गई है, तो हमारा काम नहीं करेगा। तीसरी चीज, कुछ नहीं आएगा। तो कुछ ना आने से दो सवाल पैदा होते हैं। कुछ ना आने से पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि इसका लाइन है ही नहीं, एनसी क्या NC। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि यह तो इसका लाइन तो है लेकिन इसका बीच में से लाइन ब्रेक हो गया है। क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। तो ब्रेक हो जाने से यह समझ में आएगा कि ब्रेक होने से हमारा लाइन टूट गया है। क्या है, लाइन टूट गया। तो यहां पर जब आप मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पे सेट करते हो, अब बीप पॉइंट पे सेट करने के बाद रेड पिन को ग्राउंड पर रखते हो, और ग्राउंड पर रखने के बाद कल मैंने आपको समझाया था कि जैसे कोई भी ट्रैक होता है उस ट्रैक में चेक करने पर तीन सिचुएशन जनरेट होती हैं, या तो बीप देता है, या वैल्यू देता है, या कुछ नहीं देता। बीप देने से समझ में आता है माइनस है, वैल्यू देने से समझ में आता है प्लस है, एनसी से कुछ नहीं। दूसरी बात क्या है, अगर बीप देता है तो इससे माइनस समझ में आता है। अगर मान लिया वो पॉइंट टर्मिनल प्लस है, हमको पता है कि ये पॉइंट क्या प्लस है और फिर भी बीप दे रहा है, तो इसका मतलब लाइन शॉर्ट है। क्या मानेंगे, जैसे एग्जांपल सी बात है, ये आपके फोन में बैटरी कनेक्टर लगा है, ये बैटरी कनेक्टर में ये माइनस है, ये तुम्हारा प्लस है, इसमें बीप आ रहा है, ठीक है, इसमें भी बीप आ रहा है, इसका मतलब प्लस का लाइन शॉर्ट है। क्या शॉर्ट है, प्लस का लाइन शॉर्ट है। अगर मान लिया इस पर कुछ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब प्लस का लाइन ब्रेक है, अगर मान लिया वैल्यू आ रहा है तो सही है। भाई आपके पास कोई फोन आया, वो मोबाइल फोन डेड है, बंद है, तो बंद मोबाइल फोन को चेक करने के लिए फोन रखोगे, मल्टीमीटर उठाओगे, ऐसा तो है ना कोई मशीन जिसमें घुसड़ दोगे पता चल जाएगा, मल्टीमीटर उठाओगे चेक करोगे, चेक करने पर क्या चेक करोगे, सप्लाई चेक करोगे भाई, मदरबोर्ड की सप्लाई चेक करोगे। अब सप्लाई चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे लगाना पड़ेगा, रेड पिन को हमने ग्राउंड पे लगाया, ब्लैक से चेक किया। जब चेक करने पर यहाँ दोस्त प्लस माइनस हमको पता है कि इसके दो टर्मिनल हैं, एक प्लस एक माइनस है। अगर प्लस माइनस नहीं पता चलता तो बैटरी रख के पता कर लो, बैटरी जब इसके सामने लगाओगे तो प्लस कौन सा माइनस कौन सा पता चल जाएगा ना। अब मान लो तुमने प्लस माइनस पता चल गया, तुमने माइनस में चेक किया तो माइनस में बीप आ रही है, प्लस में चेक किया तो प्लस में चेक करने पर वैल्यू आ रही है तो सही है। अगर प्लस में चेक करने पर बीप आने लगे तो हमको कस्टमर को बताना पड़ेगा, भैया तुम्हारा मदरबोर्ड शॉर्ट है, अब प्लेट में शॉर्टिंग में कोई कंपोनेंट खराब हो गया, जिसके कारण से लाइन हमारी क्या हो गई है, बंद हो गई। अगर यहां पर चेक करने पर क्या आएगी, बीप आएगी, तो बीप आने से क्या समझ में आएगा, लाइन शॉर्ट है। अगर मान लिया कुछ नहीं आएगा तो समझ में आएगा कि लाइन ब्रेक है। क्या है, लाइन ब्रेक। तो ये जो मैंने आपको प्लस माइनस चेक करना समझाया है, तो प्लस माइनस इसलिए चेक करना समझाया ताकि आप चेक करने से तुमको क्या आइडिया लगेगा। ये थोड़ी ना कि प्लस माइनस चेक कर संतुष्ट हो गया, चेक कर लिया हमने, चेक करने के बाद निष्कर्ष भी तो निकालना है। अब तुम डॉक्टर के पास गए, तुमको बुखार है, तो कहो डॉक्टर साहब देख रहा है मेरा शरीर गर्म है, तो कहे हाँ यार गर्म है। अब उसको ये थोड़ी ना बताना है, उसको ये बताना कि तुम्हारा गर्म है तो बुखार है, ठंडा है तो क्या दिक्कत है, वो तो वो बताएगा ना। तो इसलिए चेक करने के बाद ये थोड़ी ना हाँ मैं हाँ मिला दिया काम खत्म, तो वो तो तुमको बताना है कि तुमको क्या कमी है फोन में, वो कैसे बता पाओगे आप चेक करके। कैसे चेक करोगे, प्लस माइनस चेक करोगे, प्लस माइनस में जो रीडिंग आएगी उसके हिसाब से आप अनुमान लगाओगे। ये मैंने आपको बताया कि प्लस आने पर बीप आने पर माइनस होता है, वैल्यू आने से वो प्लस होता है, एनसी कुछ ना आने पर या तो एनसी होता है। अब अगर हमने सोचा कि यहां पर जैसे मैं आपसे पूछता हूं, जैसे ये टर्मिनल है, ये हमारा टर्मिनल प्लस है, इस टर्मिनल को हमने रेड पिन को ग्राउंड पर रखा,
ग्राउंड पर रखने पर यहां पर कुछ नहीं आया, तो कुछ ना आने से तुमको क्या समझ में आया बताओ? रेड पेन को ग्राउंड पर रखा, ग्राउंड पर रखने के बाद यहां पर हमने चेक किया, यहां पर कुछ नहीं आया, मल्टीमीटर हमारा कुछ नहीं बता रहा। रेड को तो ग्राउंड पर रखा, ब्लैक को जैसे यहां पर रखा तो यहां पर कुछ नहीं बता रहा। तो कुछ ना बताने पर तुम्हारे बुद्धि ने क्या कॉन्सेप्ट समझा है तुम बताओ? या अगर यहां पर नहीं आ, ये लाइन प्लस है, ये हमने बता दिया आपको, यहां पर कुछ नहीं आ रहा, तो कुछ ना आने से तुमको ये समझ में आएगा कि सर जी इसका लाइन जो है वो ब्रेक हो गया है। अब इसके लाइन में जो कंपोनेंट कंपोनेंट है वो खराब हो गए होंगे, ये लाइन टूट गया होगा, जिसके कारण से लाइन हमारा क्या हो गया, ब्रेक ब्रेक, इसको ब्रेक बोला जाएगा। अगर मान लिया, तुम बताओ, हमने बता दिया ये चीज प्लस है, अब अगर हमने ग्राउंड से चेक किया, ग्राउंड से चेक करने पर यहां पर बीप आ रही, क्या रही है, तो बीप आने से तुमको क्या समझ में आएगा? हाँ है, बीप आने से लाइन सही है, हमने बताया ये पॉइंट प्लस है, तो क्या यहां से चेक करने पर बीप देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए ना, तो जब नहीं देना चाहिए तो इसका मतलब ये बीप दे रहा, तो इसका मतलब लाइन शॉर्ट है, क्या है, लाइन शॉर्ट है। अब हमने यहां पर चेक किया, ये लाइन तुम्हारा प्लस है, तुम बताओ यहां पर कुछ नहीं आ रहा, तो कुछ ना आने तो तुमको क्या समझ में आएगा? हाई लाइन प्लस है, हमने बता दिया लाइन प्लस है, यहां पर कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो क्या नहीं ब्रेक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी कंपोनेंट है, अगर इस कंपोनेंट के बारे में हमको दोस्त ये पता चल जाता है कि ये कंपोनेंट, ये लाइन हमारा पॉजिटिव का है, किसका है, तो पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव में तीन सिचुएशन जनरेट होती हैं, या तो वैल्यू, या तो बीप, या तो कुछ नहीं। अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर वैल्यू आती, तो वैल्यू आने से पता चलेगा कि हमारा क्या है, ट्रैक सही है। अगर यहाँ पर बीप आती है तो बीप आने से यह पता चलेगा कि इसका ट्रैक क्या है, शॉर्ट है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं आता तो कुछ ना आने से यह पता चलेगा ट्रैक ब्रेक है। एक ही टर्मिनल पर चेक करने पर तीन सिचुएशन पैदा होती हैं, और तीनों सिचुएशन को चेक करने के बाद हम आइडिया लगाते हैं कौन सा सही है कौन सा खराब है, ये हम आइडिया लगाते हैं, हमारा ओपिनियन है देने का, है ना, ये रहता है। ये एक बहुत अहम पॉइंट है मदरबोर्ड में लाइन चेक करने का, इसीलिए क्या होता है कि आप लोग देखते होंगे जब दुकान वाला रिपेयरिंग करने वाला बंदा होता है, हम लोग अपने मोबाइल खोने से पहले जब ठीक कराने के लिए जाते थे, अपने मल्टीमीटर को जब लगाते तो कुछ उसमें रीडिंग आती थी, रीडिंग आने के बाद वो अपने हिसाब से एक अनुमान लगाता था, अब अनुमान लगाने के बाद हमको रिजल्ट दे देता था। तो वही सारी चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इससे समझने से क्या अनुमान लगता है, ठीक है। अब एक बार इस चीज को मैं दोबारा पूछता हूँ, ठीक है, आप अच्छे से इसको क्लियर हो जाइए तभी हम आगे बढ़े, क्योंकि हम जब ये नहीं समझा पाएंगे तो हम भाई आगे का नहीं समझा पाएंगे, ठीक है। आपको ये बात मेरी क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैंने मान लिया ये हमारा मोबाइल फोन के अंदर फिंगरप्रिंट का जैक है, काहे का जैक है, अब इस फिंगरप्रिंट के जैक में से ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये सब प्लस है, ये हमको पता चल गया। कैसे पता चल जाएगा ये मैं अभी आगे ये बताऊंगा, अभी तो मैंने बता दिया कि प्लस पता चल गया। अब हमने क्या किया, मल्टीमीटर लिया, क्या लिया, मल्टीमीटर लिया, मल्टीमीटर को रेड पिन को ग्राउंड पे रखा, रेड पिन को ग्राउंड पर रखने के बाद फिर हमने दोस्त यहां पर चेक किया, तो यहां पर चेक करने पर, यहां पर चेक करने पर हमको बीप मिलता है, क्या मिलता है, बीप मिलता है, तो बीप मिलने से तुम खड़े हो, बीप मिलने से तुमको समझ में आएगा यहां पर क्या सिचुएशन पैदा हो रही है। हाँ बिल्कुल, बीप मिलने का मतलब होता है हमारा लाइन शॉर्ट है। कैसे लाइन शॉर्ट है, कि ये जो भी लाइन गया है इसके लाइन में जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट कहीं ना कहीं माइनस से शॉर्ट हो गया होगा, जिस कारण से इसका कनेक्शन आईसी से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोस्त जब ये प्लस है तो यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए थी तभी तो सही मानेंगे, और तो अगर यहाँ पर बीप आ रही तो बीप आने का मतलब लाइन शॉर्ट है। भाई आप मल्टीमीटर उठाओ मदरबोर्ड में चेक करने का, तो टी पी मिलने से संतुष्टि थोड़ी ना मिलती, उससे तुमको निष्कर्ष भी तो निकालना है कि क्या हो रहा है। बैठ जाइए, तुम खड़े हो, आओ का
यहाँ पर हमने चेक किया, यहाँ पर चेक करने पर कुछ नहीं बता रहा, तो कुछ ना बताने से तुमको क्या समझ में आएगा? हाँ, कुछ ना बताने से ये तुमको ये समझ में आएगा कि जो लाइन आईसी तक जा रही है ये लाइन ब्रेक है। ठीक है, बैठ जाओ। तुम बताओ अमन बाबू, जैसे यहाँ पर हमने चेक किया, यहाँ पर चेक करने पर हमको वैल्यू मिल रही है, तो वैल्यू मिलने से हमको क्या समझ में आएगा? हाँ सही है, लाइन सही है हमारी, हमारी इसकी लाइन की कनेक्टिविटी आईसी से है, इसीलिए वैल्यू आती है। अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो वैल्यू नहीं आएगी, और अगर लाइन शॉर्ट हो जाती है तो लाइन शॉर्ट होने से पता चलता है कि उसका लाइन में कोई पार्ट आपस में शॉर्ट हो गया, जिसके कारण से लाइन हमारी वर्स्ट हो गई। तो अगर बीप आएगी तो बीप आने से लाइन शॉर्ट है, और कुछ नहीं आएगा तो लाइन ब्रेक है। ये बात सबको, ये पॉइंट सबको क्लियर हुए है? क्लियर हुए ना? किसी को कोई दिक्कत है मैं दोबारा समझाऊं? ये तो दोस्त मैंने प्लस माइनस आपको पहले समझाया था, ये मैंने जो बताया ये प्लस माइनस क्यों चेक किया जाता है ये मैंने बताया। हाँ, की पैड फोन में तीन प्रिंट कहाँ के होते हैं ये बताइए? निक्के का बैटरी के, अच्छा एक मिनट, ये तुम्हारे तीन नक्के आ गए, यही नक्के है ना? एक प्लस होता है, माइनस होता है, उनमें तो वैल्यू पता है, प्लस में क्या होता है, वो वैल्यू अलग पार्ट रखता है। सर ये सही बताता है ना? हाँ, जब आप यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर क्या आएगा? बीप आएगा, बीप आने से माइनस है, यहाँ पर चेक करने पर वैल्यू आएगा तो वैल्यू आने से प्लस है, यहाँ पर भी चेक करने पर वैल्यू आएगा तो भी प्लस है, क्योंकि इसका एक लाइन प्लस का होता है, एक लाइन तुम्हारा बीएसआई का होता है और एक लाइन तुम्हारा ग्राउंड होता है। ग्राउंड पर बीप आएगा चलेगा, बीएसआई पे वैल्यू आएगा तो भी चलेगा, प्लस पे वैल्यू आएगा तो भी चलेगा। अगर मान लिया तुम्हारे प्लस वाले पॉइंट माइनस पे तो बीप आ रही तो ठीक है, लेकिन अगर प्लस में भी बीप आने लगती है तो इसका मतलब लाइन शॉर्ट है। अगर यहाँ पर प्लस में चेक करोगे और यहाँ पर भी बीप आएगी तो इसका मतलब इसका लाइन क्या हो गया है? अब इसका लाइन क्या शॉर्ट है? इसके लाइन में जो कंपोनेंट लगा है ये शॉर्ट हो सकता है, या इसके लाइन में और भी कंपोनेंट जो लगे होते हैं वो भी शॉर्ट हो सकते हैं। भाई ये कंपोनेंट जब शॉर्ट हो जाएगा तो कंपोनेंट शॉर्ट होने से दोनों माइनस प्लस है आपस में भिड़ जाएगा, जब ये भिड़ जाएगा तो यहाँ भी बीप देगा, क्योंकि भाई एक लाइन है। अब इस लाइन के अंदर पाइप है, इस पाइप के अंदर कहीं भी एक छोटा सा छेद कर दोगे तो पानी तो पूरे पाइप में खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि वहीं से निकल जाएगा। आपका तो छेद यहाँ है तो यहीं का पानी निकलना चाहिए, यहाँ का नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो लाइन है पूरा, इसीलिए अगर वो लाइन है और उस लाइन में अगर शॉर्टिंग हो जाएगी तो शॉर्टिंग होने से पूरा वोल्टेज डाउन हो जाएगा वहीं पर, तो पूरे लाइन में वोल्टेज बचेगा? नहीं बचेगा। जब लाइन में वोल्टेज नहीं बचेगा तो आगे का सर्किट काम कैसे करेगा? ठीक है ना? ये तो हमने प्लस माइनस बताया, अब हम लोग बात करते हैं सीरीज पैरेलल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? सीरीज पैरेलल। सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल का मतलब होता है, जैसे सबसे पहले बात करते हैं सीरीज की। सीरीज का मतलब होता है जैसे कोई भी लाइन है, इस लाइन के अंदर जो कंपोनेंट लगाया, ये तुम्हारा कंपोनेंट है, ये क्या है? तो ऐसी पोजीशन में जब लगे होते हैं तो उसको बोलते हैं सीरीज। क्या बोलते हैं? सीरीज का मतलब जैसे एक एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उसको बोलते हैं सीरीज। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड पोजीशन पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है जब कोई भी कंपोनेंट है वो ऐसे दो लाइन के बीच में लगा होता है। तो इस काम को हम लोग बोलते हैं पैरेलल। अगर कोई भी कंपोनेंट सीरीज होता है तो सीरीज का मतलब होता है उसके दोनों टर्मिनल या तो प्लस होते हैं या तो उसके दोनों टर्मिनल क्या होते हैं? और जो पैरेलल में होता है उसका एक टर्मिनल प्लस होता है, दूसरा टर्मिनल क्या होता है? ठीक, तो सीरीज का मतलब होता है जिसके दोनों टर्मिनल सेम हैं,
दोनों टर्मिनल वो सीरीज, और जिसके दोनों टर्मिनल कैसे हैं, डिफरेंट हैं, कैसे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल। जिसके दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं, सीरीज। जिसके दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं, सीरीज। जिसके दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं तो पैरेलल, और जिसके दोनों पॉइंट सेम है तो उसको क्या बोलते हैं, सीरीज। इसको आप बना लीजिए जरा। अगला टॉपिक डालिए, सीरीज और पैरेलल। लिख लिया, इसमें लिखो नोट, नोट में लिखो। नोट में लिखो जिस कंपोनेंट्स के, जिस कंपोनेंट्स के दोनों टर्मिनल कंपोनेंट के दोनों टर्मिनल सेम होते हैं, जिस कंपोनेंट के दोनों टर्मिनल सेम होते हैं, दोनों टर्मिनल लिख लीजिए, दोनों पॉइंट्स लिख लीजिए, एक ही बात है। जिस कंपोनेंट के दोनों टर्मिनल सेम होते हैं वह सीरीज में होते हैं। ठीक, जिस कंपोनेंट के दोनों टर्मिनल सेम होते हैं, दोनों टर्मिनल का मतलब दोनों पॉइंट्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं, तो उसे किस में काउंट करते हैं, सीरीज में काउंट करते हैं। अगला लिखो, जिस कंपोनेंट के दोनों टर्मिनल इस कंपोनेंट के दोनों टर्मिनल सही है,
जिस कंपोनेंट के दोनों टर्मिनल अलग अलग होते हैं। जिस कंपोनेंट के दोनों टर्मिनल अलग अलग होते हैं उसे जिस कंपोनेंट के दोनों टर्मिनल अलग अलग होते हैं उसे पैरेलल में काउंट करते हैं। उसे पैरेलल में काउंट करते हैं। अब नीचे एक और लाइन लिखो, सीरीज में लाइन ब्रेक होता है, सीरीज में लाइन ब्रेक होता है, मतलब सीरीज में लाइन ब्रेक होने का मतलब होता है सीरीज में अगर कोई कंपोनेंट लगाए अगर वो खराब हो जाएगा तो लाइन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सीरीज में लाइन ब्रेक होता है। नीचे एक लाइन छोड़ के लिखो, पैरेलल में लाइन शॉर्ट होता है। अरे नीचे लाइन छोड़ के लिखो, बहुत कांपी बेचा रहे हो। पैरेलल में लाइन शॉर्ट होता है। सीरीज में लाइन क्या होता है, ब्रेक होता है। पैरेलल में लाइन क्या होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है, मतलब सीरीज में अगर कोई चीज लगी होगी अगर वो खराब हो जाएगा तो उससे क्या होगा, लाइन ब्रेक हो जाएगा। अब पैरेलल में अगर कोई चीज लगी होगी तो उससे क्या हो जाएगा, लाइन शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइन शॉर्ट हो जाएगा। देखिए इधर, सीरीज में अगर कोई चीज लगी होगी तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। जैसे सीरीज में कोई कंपोनेंट है, अगर कल को ये कंपोनेंट क्या हो जाता है भैया, खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, तो खराब हो जाने से क्या हो जाता है, लाइन जो होता है वो हमारा टूट जाएगा। और पैरेलल में जो लगा हुआ है अगर ये कल को कोई कंपोनेंट अगर खराब हो जाता है तो ये लाइन शॉर्ट हो जाएगा। लाइन शॉर्ट होने का मतलब होता है जो करंट तुम्हारा है वो तुम्हारा यहां से लेकर यहां तक आएगा, बस यहीं पूरा खत्म हो जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। अगर ये वाला खराब होगा तो ये करंट यहां पर आएगा, ये पूरा लाइन शॉर्ट हो जाएगा, करंट यहीं खत्म हो जाएगा, आगे जाएगा नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब होता है जैसे हमारे वहां से बिजली घर से मेन लाइन आई, तारों से होते हुए आती है, अगर बीच में कोई तार चिपक जाते हैं तो आगे जाना वोल्टेज बंद हो जाता है। क्यों वोल्टेज होता है, क्योंकि वही वोल्टेज जाके नष्ट हो जाता है, आगे जाना खत्म हो जाता है। लेकिन पीछे कुछ ना कुछ बना रहता है लेकिन आगे फिर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि आगे की लाइन क्या हो गई, ब्रेक हो गई। उसी ब्रेक होना नहीं बोलते, उसको लाइन शॉर्ट होना बोलते हैं। ठीक है, हमारे मोबाइल फोन में दो सिचुएशन जनरेट होते हैं किसी ट्रैक में, या तो ट्रैक ब्रेक होता है या तो ट्रैक शॉर्ट होता है। ब्रेक कब होगा, जो सीरीज में कंपोनेंट लगे होते हैं अगर वो खराब हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, ब्रेक की सिचुएशन पैदा होगी। अगर जो पैरेलल में कंपोनेंट लगा है अगर वो खराब हो जाएगा तो उससे क्या होगा, शॉर्ट की सिचुएशन पैदा होगी। अगर पैरेलल में कोई कंपोनेंट खराब हो जाता है, जैसे ये खराब हो गया, तो इसको आप क्या करेंगे, हटा देंगे, तो भी लाइन आपका क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा सीरीज में लगा है अगर इसको खराब हो जाएगा, इसको हटा देंगे तो इससे क्या होगा, लाइन तुम्हारा बंद हो जाएगा। तुमको या तो तुमको जम्पर के माध्यम से इसको या तो जोड़ना पड़ेगा या तो उस कंपोनेंट को लगाना पड़ेगा। या तो कंपोनेंट को लगाना पड़ेगा तब लाइन चलेगा, और नहीं तो जम्पर मार दोगे तो भी लाइन चालू हो जाएगा। लेकिन जो पैरेलल में लगा है तो पैरेलल के सिचुएशन पर तुमको क्या करना पड़ेगा, हटा दोगे तो चालू हो जाएगा, नहीं तो फिर दूसरा लगाना पड़ेगा। दूसरा लगाना बात की सिचुएशन है, पहले हटा दो, हटा देने से लाइन चालू होगी। हटा देने से क्या होगा, वही लाइन उतना बंद हो जाता है, बाकी पूरा सर्किट क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। अब जैसे ये जो तुम्हारे कंपोनेंट लगे हैं,
ये कंपोनेंट तुम्हारे कौन से पोजीशन में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। ये कौन से पोजीशन में लगे हैं, ये कौन से पोजीशन में है, पैरेलल उसमें पैरेलल। ये किसमें पैरेलल, तो ये हमारे कंपोनेंट जो होते हैं सीरीज और पैरेलल की पोजीशन होती है। आप देखिए जैसे आईसी है, यहां से सप्लाई चलेगी, आप देखिए हम ये जो बात कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, इनको हम लोग सिंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आगे हम लोग जो भी पढ़ाई करेंगे या जो भी समझेंगे हम सिंबल ही बनाएंगे। सिंबल से आप समझ जाइए कि रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये डायोड है और ये कॉइल है। ये आप सिंबल से ही समझिए, क्योंकि सर इसको बोलते हैं सर्किट सिंबल। क्या बोलते हैं, सर्किट सिंबल। ये दिख रहा है, तो ये हमारा कौन सी पोजीशन में लगा है, तुम बताओ। हाँ तुम खड़े हो, जिससे पूछे हो बताओ यार, तुम खड़े हो। हाँ हाँ ये बताइए, ये तुम्हारा किस में लगा है, सिंबल है। ये कौन से पोजीशन लगा, सीरीज में लगा कि पैरेलल में लगा है, सीरीज में। बैठ जाओ ठीक, तुम बताओ हमारा ये किस में है, ये वाला इसकी मैं पूछ रहा हूँ, ये वाला और ये वाला कैसे बोला कि पार्लर में नीचे है तो माइनस है पार्लर है, ऐसा नहीं बोला जा रहा। नीचे ऊपर से कोई मतलब नहीं होता। मान लिया हमने कोई भी कंपोनेंट बनाया, तो इसको नीचे से सीरीज नहीं बोला जाता है। इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका दूसरा टर्मिनल नेगेटिव है। आपने सर जी उसका दूसरा जो टर्मिनल है उसको नेगेटिव प्रदर्शित कर रखा है और एक टर्मिनल को पॉजिटिव प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए पैरेलल में लगा है। क्योंकि जो पैरेलल में कंपोनेंट लगा होता है उसका एक पैर माइनस होता है और दूसरा पैर किस में होता है, प्लस में होता है। मतलब एक प्लस होता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, माइनस होता है। एक प्लस दूसरा माइनस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल। और जिसके दोनों टर्मिनल सेम होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीरीज। तो ये हमारा पैरेलल पैरेलल, ये हमारे दोनों किस में, सीरीज में। तुम बताओ वाली ये काय में लगा है और ये काय में लगा है। तुम बताओ ये क्या है, सीरीज, ये पैरेलल, ये क्या चीज लगी है, इसको क्या कहते हैं, हाँ इसको कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। तुम बैठ जाओ, तुम बताओ मन बाबू इसको क्या कहते हैं। सिंबल तो है लेकिन है क्या, काय का सिंबल है, है रजिस्टर, किसका सिंबल है, रजिस्टर का सिंबल है, ठीक। अच्छा ये बताइए, बैठ जाओ तुम खड़े हो। अगर मान लिया जब यहां से हमने यहां से करंट डाला, क्या डाला, अगर कल को ये खराब हो जाता है तो इससे क्या क्या तुमको दिक्कत आएगी, इससे खराब हो जाएगा तो इससे ये होगा कि लाइन हमारी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जब लाइन ब्रेक हो जाएगी तो आगे करंट नहीं जाएगा, ठीक है। बैठ जाओ तुम बताओ, तबीयत यहाँ से जो सप्लाई आ गया कल को, ये खराब हो जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे खराब होने से क्या होगा, हाँ तो क्या होगा, लाइन शॉर्ट हो जाएगी। तो लाइन शॉर्ट होने से क्या फर्क पड़ेगा, लाइन बंद हो जाएगी।
क्योंकि लाइन में वोल्टेज जब यहीं तक आएगा यहीं खत्म हो जाएगा, आगे वोल्टेज नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज पैरेलल हमने आपको बना के बताया है। अब देखो इधर हम तुमको पांच छह सर्किट बनाते हैं और उस पांच छह सर्किट में तुमको ये बताना है कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में, जिसमें सीरीज में उसमें एस लिखना है, जिसमें पैरेलल में उसमें पी लिखना है, ठीक है। पहले हमको बना लेने दो, बाद में तुमको बनाना है अपने कॉपी में से। पहला सर्किट तुम ये पांचों सर्किट अपने कॉपी में बनाओ सभी लोग, और सबको ये बताना है कौन द कंपोनेंट रजिस्टर है, कौन द कंपोनेंट कैपेसिटर है, ये भी बताना है, प्लस कौन द सीरीज है, कौन द पैरेलल, ये भी तुमको लिखना है। ये तुमको चार पांच चीजें सब लोगों को कॉपी में लिखना है। आप एक छोटी सी मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ये एक्सरसाइज करने से तुमको ये क्लियर होगा कि मोबाइल फोन में आप कैसे पहचानेंगे कौन सा पॉइंट सीरीज में है, कौन सा पॉइंट पैरेलल में। सीरीज पैरेलल को आप पहचान सकते हैं, प्लस उसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तुम्हारी कॉपी कहाँ है, तभी निकालिए कॉपी। क्या नहीं समझ में आ रहा है, पहला वाला दूसरा क्या है, रजिस्टर है, ये वाला ये रजिस्टर है, बोल तो रहे मुंह से। पांचों सर्किट को अपने कॉपी बनाइए, कॉपी बनाने के बाद फिर आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के बाद कौन सा रजिस्टर, कौन सा कैपेसिटर, कौन सा कॉइल, कौन सा डायोड, ये लिखना है, कौन सा पोजीशन सीरीज में, कौन सा पैरेलल पोजीशन में, ये भी लिखना है, ताकि आपको मोबाइल फोन में सर्किट के बारे में आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। और ये एक्सरसाइज अगर आपकी पूरी हो जाएगी तो आपको मदरबोर्ड में सीरीज पैरेलल चेक करना आ जाएगा, प्लस लाइन के बारे में समझ में आएगा, किससे लाइन ब्रेक होती है, किससे लाइन शॉर्ट होती है, इन सब चीजों का आपको आइडिया लग जाएगा। Thank you.